पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास के इलाकों में चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर मंदिरों में माता रानी के भक्तों द्वारा अपनी तैयारियों को किया जा रहा है। नगर पंचायत पागबड़ा के अलग अलग मंदिरों में सफाई व्यवस्था के साथ साथ पूरा माहौल भक्ति में दिखाई दे रहा है। माता रानी के भक्त नवरात्रि की तैयारियों में जुटे हैं और 22 मार्च से नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। नगर पंचायत पागबड़ा में सनातन धर्म की प्रत्येक धार्मिक प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुजारी पंडित छैल बिहारी का ये कहना है कि ये चैत्र नवरात्रि खुशियों से भरे नवरात्र हैं। माता रानी का प्रसाद सभी को मिलने जा रहा है। माता रानी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देने आ रही हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सब माता रानी के आशीर्वाद से अपने भारत को बुलंदी की तरफ लेकर जाते रहें। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम छैल बिहारी शर्मा। छैल बिहारी जी, नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, क्या होता है नवरात्रों पे? नवरात्रों में सब शांति के लिए, सभी समृद्धि के लिए नौ दिन की पूजा होती है। क्या कहना चाहेंगे माता रानी के भक्तों से? ये कहना चाहेंगे सभी सुख शांति से माँ भगवती का गुणगान करें, पूजा करें, शांति पूर्वक अपने त्योहार का समापन करें। और सभी भक्तियों से ये निवेदन है कि सुख शांति सहित सभी चीज को ध्यान करते हुए प्रेम के साथ नवदुर्गा का पूजन करें और सब साथ प्रेम से सद्भावना से रहें। पागबड़ा में बरसों से धर्म प्रेमियों को अपनी सेवाएं देते आ रहे पागबड़ा के वरिष्ठ समाज सेवी एवं धर्म प्रेमी प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा कहा गया कि चैत्र नवरात्र खुशियां लेकर आ रहे हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है, पूरा वातावरण भक्ति में हो चुका है। माता रानी की कृपा हम सब पर होने जा रही है। बस मैं यही प्रार्थना करूंगा कि पूरी श्रद्धा के साथ हम सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की प्रार्थना करें, इंसानियत की सेवा करें और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें। वर्ष में एक बार नवरात्र आते हैं। कल 22 तारीख को, 22 मार्च को शुभ मुहूर्त है। 6:29 से ये नवरात्र लग रहे हैं और सभी हमारी माताएं, बहनें, पूरा हिंदू समाज लगभग इन नवरात्रों के व्रतों को रखते हैं। सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं, शाम को कुछ फल फ्रूट खा करके उस व्रत को पूरा करते हैं। ऐसे 9 दिन तक ये व्रत चलता रहता है और मैं उनको सभी को जो है हाथ जोड़कर नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। माता की कृपा हो, सबके घरों में धन लक्ष्मी वैभव समृद्धि आए और हमारे मुस्लिम भाइयों के भी रमजान चालू हो रहे हैं, इनकी भी बड़ी कठिन तपस्या है। 30 दिन तक पूरे पूरे दिन कोई पानी नहीं पिएगा, कुछ खाएगा नहीं। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी जो है शुभकामनाएं देता हूँ और उनका भी जो है अच्छे से ये रमजान पूरे हों। सभी को शुभकामना और बधाई।